तारीख दुनिया के लिए बड़ी अहम है, क्योंकि दुनिया के दो बड़े देश में बहुत बड़ी घटना हो रही है। भारत में एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है, वहीं व्लादिमीर पुतिन पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। नमस्कार, एनबीसी भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। रूस ने मॉस्को में मौजूद सभी देशों के राजनयिकों को शपथ ग्रहण का आमंत्रण भेजा है। हालांकि अमेरिका, यूके और कई यूरोपीय देशों ने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की है। साथ ही दुनिया की नजर में पुतिन के शपथ पर नहीं बल्कि रूस और नाटो के बीच एटमी टकराव पर है। जी हां, नाटो के सबक सिखाने के लिए पुतिन ने परमाणु तैयारी भी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि आज शपथ ग्रहण के बाद क्या पुतिन यूक्रेन को मिटाने और नाटो से बदला का प्रण लेंगे? क्या पुतिन ने फाइनल प्रहार की पूरी तैयारी कर ली है? लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन का शपथ ग्रहण होना है। पांचवी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि शपथ के बाद पुतिन कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि रूस की सेना जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगह पर एटमी युद्ध अभ्यास कर रही है, वो बहुत बड़े संकेत है। साथ ही एसएआर समेत अब विनाशकारी हथियारों की ड्रिल को लेकर भी तस्वीरें आई है, जिसमें साफ है कि पश्चिमी देशों को एटमी चेतावनी दिया गया है। बता दें कि पुतिन की शपथ से पहले इजराइल ने मोर्चा खोला है। राफा में घुसे इजरायली टैंक ब्रिगेड फिलिस्तानी सैन्य पोस्ट में इजरायली टैंक दाखिल होते हुए देखे गए। साथ ही केरम सालोम क्रॉसिंग में घुसे हैं आईडीएफ के टैंक राफा में। चारों तरफ इस वक्त इजरायली बम बरस रहे हैं। यूक्रेन ठिकानों पर मिसाइलें गिराई गई है और रूस युद्ध हेलीकॉप्टर मिसाइलें दागी गई है। बता दें कि रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। फिलहाल पुतिन पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ 2:30 पर लेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति कार्यकाल में सबसे ज्यादा साल तक रूस में राज करने वाले नेता बन जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।